तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशंस, मतलब कि ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर्स वगैरह हम एमएस वर्ड में कैसे लाएंगे। सबसे पहले पिक्चर्स लाने की बात हम कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर पड़ा हुआ है, मान लीजिए मेरा यही पिक्चर पड़ा हुआ है और एक किस में है, तो जेपीजी फाइल में है, जेपीजी फाइल में है, तो कैसे लाएंगे। तो उसके लिए इंसर्ट में यहाँ पिक्चर का ऑप्शन है, उस पर जाइए और लोकेशन पे जाइए जिस लोकेशन में आपका पिक्चर है, सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कीजिए, ये पिक्चर आपका आ जाता है। पिक्चर जिस साइज में होगा, जो इसका ओरिजिनल साइज होगा, उसी उसी साइज में आएगा। तो सबसे पहले जो पिक्चर आता है हमारा, साइज में जब आता है तो उसको अपने हिसाब से रीसाइज कर दो, ठीक है। तो पिक्चर को रीसाइज करने के लिए उसको सिलेक्ट कीजिए और देखिए पॉइंट्स दिख रहा है। तो दो चीज होती है कि उसकी हाइट को बढ़ाना चाहते हो या विड्थ, हाइट को रिसाइज, जिसकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है उसको मेंटेन करना चाहते हो, या फिर उसके विड्थ को, तो हाइट को अगर बढ़ाना चाहते हो, तो ऊंचाई बढ़ाना चाहते हो, तो इसका उपयोग कर सकते हो या इसका उपयोग कर सकते हो, दोनों सेम वर्क होता है। विड्थ है तो विड्थ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने हाइट बढ़ा दिया तो ये पिक्चर अजीब लग रहा है ना, तो इसलिए हाइट विड्थ नहीं, जब भी पिक्चर को रिसाइज करना होगा तो कॉर्नर से करें। कॉर्नर से क्या होता है, हाइट और विड्थ दोनों बढ़ता है और पिक्चर एक अच्छे तरह में दिखेगा आपको, स्ट्रेस नहीं दिया, फट गया या ज्यादा ऊंचा हो गया, घिस दिया, ब्लर हो गया, ऐसी चीजें नहीं होगी। तो जब भी पिक्चर को आप रिसाइज करेंगे तो कॉर्नर से करेंगे, छोटा या बड़ा, छोटा कीजिए या बड़ा कीजिए, लेकिन छोटा से जब बड़ा कीजिए या बड़ा से छोटा कीजिए तो कॉर्नर से कीजिए तो और अच्छा बात है, अदरवाइज आप कॉर्नर से करते समय आप कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, दोनों चीजें सेम होता है। तो पिक्चर उसके हिसाब से आपके साथ छोटा और बड़ा होगा, तो पिक्चर रिसाइज ऐसे करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पिक्चर की रोटेशन। जैसे कि पिक्चर कभी कभी तिरछा होता है, मान लीजिए आपने किसी की फोटो स्कैन करी की थी, उसको लेके आया तो स्कैन उल्टा हो गया, तो रीसाइज मैंने रोटेट कर, रोटेशन के लिए यहाँ पे दिख रहा है एरो के निशान, ये पिक्चर को रोटेट करता है इस तरह से, एक एंगल में 24 एंगल में रोटेट कर दूंगा। लेकिन रोटेशन करते समय दिक्कत हो जाती है, एक चीज की दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए मुझे पूरा तिरछा करना है, मतलब कि पूरा 90 डिग्री के एंगल पे करना है, तो इन चीजों में दिक्कत होती है। तो उस चीजों में आपको सेलेक्ट करें, ऊपर फॉर्मेट पे चलेगा, तो फॉर्मेट में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ रोटेशन होता है, तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट एंगल होता है, तो उस एग्जैक्ट एंगल में इसको आप कर सकते, या फिर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मुझे इतना डिग्री पे उसको रोटेट करना है, तो मोर रोटेशन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे अपना डिग्री सेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम इतना ही काम उठा लेते हैं। तो माउस से रोटेट करने का ऑप्शन ये है कि यहां से रोटेट कर लो अपने हिसाब से जितना रोटेट करना चाहते हो, और दूसरा एक पर्टिकुलर डिग्री पे करना चाहो तो यहां से कर सकते हो पिक्चर को रोटेट। तो दो चीज आपने सीखा, पहली पिक्चर को रिसाइज करना, दूसरी रोटेट करना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बात आती है कि अगर हम किसी इंटरनेट के गूगल पे से पिक्चर कैसे लाए, इंटरनेट के गूगल से या बिंग से, जो भी साइट से, उससे कैसे लाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई फोटो लाता हूं, मैं मान लीजिए आप ही का फोटो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, देखता हूँ तरुण शर्मा नाम के कितने लोगों का फोटो है, इमेज पे जाता हूं, यहां पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो मुझे इनमें से किसी एक पिक्चर को कॉपी करना है, जो जो पिक्चर आपको अच्छा लगता है, जो पिक्चर आप पसंद करते हैं, उन पिक्चर को आप यहां से लेके आ सकते हैं। जैसे कि मान लो इसी पिक्चर को मैं लाता हूं, तो इंतजार कीजिए, नीचे देखिए एक अरे चल रहा है, एक ग्रे कलर था वो हट गया, तो मतलब पिक्चर डाउनलोड हो गई। अब पिक्चर पे राइट क्लिक करें, कॉपी पिक्चर, एक तो इसको आप सेव कर ले फिर इंपोर्ट करें, लेकिन मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। तो यहां से आप कॉपी इमेज करें और जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे कंट्रोल वी कर दें
तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। देखिए आपका पेस्ट हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट जो है एक्सेल से या वर्ड से भी डायरेक्ट आप पिक्चर को ला सकते हो। जैसे यहां देखिए पिक्चर के बगल में ऑनलाइन पिक्चर आपको दिख रहा है, तो यहीं पे आपको पिक्चर को सर्च करके आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन ये गूगल से सर्च नहीं करोगे, ये आपको सर्च बिंग पे होगा, गूगल जैसा ही बिंग साइट है उसके लिए। तो यहीं पे आप सर्च कर सकते हो तरुण शर्मा, यहां भी सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्लो चलेगा और थोड़ा सा ये होता है, इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए तरुण शर्मा है, इनको हमने लिया और यहां से इंसर्ट कर दिया। तो एक तो कॉपी पेस्ट हो गया गूगल और अनदर साइट से, और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप इसको यहां से पिक्चर ऑनलाइन से भी ला सकते हो। तो इसमें एक नई चीज आपने क्या सीखी कि पिक्चर को वेबसाइट गूगल या अनदर वेबसाइट से राइट क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट करना, और दूसरा मैंने आपको सिखाया कि दूसरे किसी डायरेक्ट यहीं से आप उसको लेके आना। अब बात करते हैं कॉर्प पिक्चर की। जैसे कि ये पिक्चर आपने दिया, अब मुझे इस पिक्चर में मुझे पूरा नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे सिर्फ इसी जो पर्सन है ना, इस पर्सन का फोटो चाहिए, बाकी फोटो नहीं चाहिए, तो आप इसको कॉर्प कर सकते हो, मतलब कि इसको काट सकते हो। कैसे? तो पिक्चर को आप सिलेक्ट करें एंड फॉर्मेट पे जाए और यहां पे क्रॉप, क्रॉप करने के बाद इस तरह से काला निशान बन जाएगा, एक कॉर्प है। तो जैसे जैसे कॉर्प करना है उस तरह से इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से आप, और फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप मोबाइल फोन में करते हो जस्ट लाइक दैट, ये आपका कॉर्प हो गया। कॉर्प करने का पिक्चर ले सकते हो। तो तरुण शर्मा जी कोई डाउट है? हेलो, क्या बोल रहे हैं? दोबारा सुनता है, कॉर्प करना ये कॉर्प करना तो आगे। हाँ चलो ठीक, क्या करना? कुछ नहीं। तो कॉर्प अगर मान लीजिए कभी कभी गलती से कॉर्प आपका हो गया, गलती से कॉर्प हो गया आपको जैसा था वैसे, यहां पे देखिए रीसेट पिक्चर आएगा, रीसेट पिक्चर करेंगे, नहीं कॉर्प को रीसेट नहीं करते, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया, कॉर्प पिक्चर को रीसेट आप नहीं कर सकते, बाकी चीज कर सकते हो। तो पिक्चर को कॉर्प मतलब कि कटिंग करना आप यहां से सीखे कि पिक्चर को किस तरह से कटिंग करेंगे। दूसरा बात आती है पिक्चर को एक और आता है, एक माफ कीजिएगा कॉर्प जो हुआ, एक मिनट मैं वापस कंट्रोल जेड करता हूं, कॉर्प में और एक ऑप्शन है उसको देख लीजिए। अब कॉर्प में ये तो है, लेकिन कॉर्प में आपने यहां पे कॉर्प देखा कि आप अपने हिसाब से कॉर्प कर सकते हो, तो जाता है कॉर्प एज ए स्क्वायर, कॉर्प एज ए स्क्वायर, ये तो कॉर्प अगर बन गया अपने हिसाब से कॉर्प कर लो, लेकिन कॉर्प एज ए स्क्वायर अगर करते हो आप, तो इसमें ये होता है कि आप ये जो आकृति दिख रही है ना, इन आकृति में अपना फोटो को कॉर्प कर सकते हो। जैसे ये देखिए ये हार्ट का था, ऐसे यहां पे अलग अलग आपके टूल्स है जिसको आप अपने हिसाब से उसमें इसको कर सकते हो जैसा आपको करना है। सही देखिए इस तरह के सेट में कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम कॉर्प की बात करें तो यहां आता है एब्सिस रेडियो की, स्क्वायर में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, तो उस हिसाब से स्क्वायर एंड पोर्ट्रेट में आपका फोटो कॉर्प ऑटोमेटिक हो जाता है। यहां पे जैसे मुझे मैं बोला कि भाई इसमें लैंडस्केप 3x2 होना चाहिए, तो लैंडस्केप 3x2 दिख रहा है यहाँ पे, या लैंड यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट 3x4 होना चाहिए, तो पोर्ट्रेट 3x4 आगे बाकी कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ कर सकते। दूसरा आता है फिल,
फिल्म में क्या होता है कि अपने हिसाब से उसको कॉर्ड अपने हिसाब से कर सकते। दूसरा आता है फिट, जो एरिया उसमें फिट हो जाता है तो फिर हम फिट का तो यूज नहीं करते हैं। तो कॉर्ड के बाद दूसरा आता है कि पिक्चर, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां से कॉर्ड किया, मान लीजिए नॉर्मल कॉर्ड किया और मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर ये जो है पर्सन है इन्हीं का फोटो मैं पासपोर्ट साइज चाहिए हमको, तो पासपोर्ट साइज निकालने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा पार्टी है, पासपोर्ट साइज आ गया। दूसरा यहां पे आता है बात कि मुझे इसको एक सेम साइज करना है। एक तो होता है कि पासपोर्ट साइज में होता है कि भाई 3x5 का चाहिए, 3x2 का चाहिए सेंटीमीटर में, तो एक एक्चुअली साइज यहाँ पे डिपेंड कर सकते हो कि हाइट कितनी होनी चाहिए। मैं बोला कि मेरा 4x3 का पिक चाहिए, तो 4 हमने हाइट कर दिया और हमने 3 विड्थ कर दिया। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट साइज रख सकते हो ताकि आप इसको कर सको। अब एक्सेल साइज हो गया तो इसको कॉपी करना। अब मान लीजिए मुझे इस ऐसे 2-3 पिक्चर और चाहिए, मतलब प्रिंट आउट निकालना चाहता हूं, तो एक तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो आप कर ही सकते हो, इसके अलावा आप कंट्रोल प्रेस कर ले। कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको रोटेट करें तो कॉपी हो जाएगा। तो कंट्रोल प्रेस करके माउस को क्लिक करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए आपके फोटो की कॉपी होती चले जाएगी। इस तरह से जितना करना चाहो कर सकते हो। दूसरा, मुझे फोटो के साइड में कुछ लिखना है, देखिए ना। या फोटो के ऊपर कुछ लिखना है, देखिए फोटो के ऊपर कुछ लिखना है तो मैं चाहता हूं फोटो बैकग्राउंड में जाए और उस पर हम लिखते भी रहे। मेरा तो इस तरह से होता है कि मुझे लिखना है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब लिखेंगे ना तो पिक्चर के साइड में लिखाएगा, पिक्चर के यहां आगे लिखाएगा, पिक्चर के ऊपर नहीं लिखाएगा। तो इस साइड में जो ऑप्शन होते हैं ना उसका मतलब होता है लिखना कैसे है। दूसरा ये होता है कि ये देखिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से इसको टाइप कर सकते हैं इस तरह। तो पिक्चर के दोनों तरफ हम लिख पाएंगे, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया तो पिक्चर के दोनों तरफ लिख पाएंगे, ऊपर नीचे भी लिख पाएंगे। ये देखिए इसमें अगर इसको सिलेक्ट कर लिया मतलब कि इसको सिलेक्ट किया तो सिर्फ ऊपर और नीचे लिख पाएंगे, और इसको सिलेक्ट किया तो हम उसके ऊपर भी लिख पाएंगे, बिहाइंड मतलब इसके पीछे भी लिख पाएंगे और इसके ऊपर भी लिख पाएंगे। तो ये इसके लिए होता है कि टेक्स्ट कैसे लिखे। तो एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो पिक्चर को ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं पिक्चर की स्टाइल, कि पिक्चर की स्टाइल कैसे होना चाहिए। तो पिक्चर पे आप क्लिक करें, फॉर्मेट पे चले जाएं और यहां स्टाइल, तो यहां पे आपके सारे पिक्चर्स की पिक्चर का फ्रेम कैसा होना चाहिए। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि पिक्चर का फ्रेम कैसा होना चाहिए, जो जैसा फ्रेम चाहिए उस फ्रेम में अपने पिक्चर को रख सकते हो। दूसरा कि पिक्चर के आउटलाइन बॉर्डर जो होते हैं आउटलाइन कैसा होना चाहिए, कौन सा कलर, तो रेड कर दिया, लेकिन देखिए रेड दिख नहीं रहा है, अच्छा रेड हो गया लेकिन रेड की इसकी मोटाई थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप बढ़ा सकते हो यहां से पिक्चर बॉर्डर में। ये देखिए विड्थ, तो यहां सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका बढ़ेगा, जैसे सेलेक्ट कीजिएगा वैसे आपका पिक्चर का बॉर्डर का साइज बढ़ेगा, जो पसंद है वो रख लीजिए। या डॉट 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 लाइन चाहिए तो डॉट लाइन, डैश लाइन, जैसी लाइन चाहिए वैसे लाइन आपको यहां दिख जाएगा। ये आपका फिर पिक्चर की इफेक्ट की बात आती है, ये 3D इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसमें अलग अलग 3D इफेक्ट्स है जिस पिक्चर का इफेक्ट में आएगा।
तो जैसा इफेक्ट करेंगे, रोटेशंस है, 3D रोटेशंस है, यह आपका गुलू है, 50 रेक्टेंगल, इस तरह से। और यहां से पिक्चर की लेआउट, ये पिक्चर के लेआउट के साथ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसके आगे पीछे लिख सकता हूं मैं, जैसे कि एक्सेल बीवीए, ये आपको आगे बताऊंगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, माफ कीजिएगा। इसको ये बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं, 10th 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्लो चार्ट, वो फ्लो चार्ट था। तो अब बात यहां पे पिक्चर में होगी, लेकिन एक नई फीचर जो आई है बैकग्राउंड को रिमूव करने का, तो पिक्चर के बैकग्राउंड को आप यहां से रिमूव कर सकते हो, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करोगे तो अपने आप पिक्चर को सिस्टम स्टडी करेगा, और जो रेड एरिया दिख रहा है ना वो रिमूव हो जाएगा, जो व्हाइट एरिया बचा हुआ वो रह जाएगा, लेकिन वो रिमूव करता है कलर इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग करता है। तो इसको ऊपर नीचे करोगे तो कुछ हद तक आपका रह जाएगा, देखिए कोई नहीं हट रहा है, सारा रिमूव कर रहा है, देखिए फिर आ गया। अब इसे कीप चेंजिंग करेंगे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सही ढंग से नहीं हो रहा है, मुझे करना है बैकग्राउंड रिमूव, तो उस केस में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यहां पे बैकग्राउंड में रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, और यहां पे दिखता है कि मार्क, मार्क एरिया रिमूव, तो यहां से आप एरिया को मार्क कर सकते हो कि कौन सा एरिया रिमूव होगा, इस तरह से। तो टाइम इसमें लगेगा, इस तरह से जैसे जैसे मार्क करोगे उस हिसाब से एरिया रिमूव होगा। इस तरह से समझ गए, ये बेसिकली सब चीज फोटोशॉप की चीज है, लेकिन फिर भी जो है आप इसमें भी कर सकते हो, वर्ड में जरूरत पड़ गई, मान लो ऑफिस में आपके पास फोटोशॉप अगर नहीं हुआ तो जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे उतना एरिया सिम रहेगा, बाकी एरिया रिमूव हो जाएगा। नहीं पॉइंट देना होता है, ठीक है, गलत हो गया, यहाँ पे क्लिक हो गया था ना इसलिए। मिला दीजिए एंड कीप चेंज, इस तरह से होगा। तो इस तरह से चीजें कर सकते हो, लेकिन इसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन इसमें हाँ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फिर धीरे धीरे इसका इफेक्टिव बढ़ेगा। तो बैकग्राउंड चेंज का कोई खास असर नहीं होता है। हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी का पिक्चर आपने लिया, उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो, तो फॉर्मेट में जाके कलर में आइए, इसको देखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट, देखिए ब्लैक एंड, यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, ब्लैक एंड व्हाइट पे चला गया पिक्चर,
कलर, या कोई और कलर में करना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसको इस तरह कलर में करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। फिर करेक्शन होती है, करेक्शन में क्या, किसी की ब्राइटनेस को कम करना, शार्पनेस को कम करना, ब्राइटनेस ज्यादा करना, ताकि पिक्चर होता है ना, गोरा नहीं है उसको गोरा कर दिया, तो ये चीज यही सी होती है। कॉम्प्लेक्स पिक्चर, पिक्चर के अनवांटेड पिक्सल्स को डिलीट करके साइज छोटा करना। चेंज पिक्चर, इसमें आप चाहते हैं कि सब कुछ सेम रहे, पिक्चर दूसरा चेंज हो जाए, तो वो चीज अभी यहाँ पे करते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करना हमने आपको बताया, पिक्चर पे काम करना बताया। अब आप पिक्चर खुद से इंसर्ट कीजिए और कुछ करेक्शन करने की कोशिश कीजिए, जो दिक्कत हो, डाउट हो, उसको नोट कीजिए और अगली क्लास में मुझसे डिस्कस कीजिए, ठीक है।